हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन मिस्ट्री गेम। सो टुडे वी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट नेम्ड एज MnO2, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। ओके, दिस इज बेसिकली यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन पार्ट, द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ MnO2, सम एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस फॉर MnO2। ओके, तो फर्स्ट लेट्स मूव इन टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट। So it is an oxidizing agent. Manganese dioxide is a oxidizing agent. Here the oxidation state of Mn is +4. Clear? And it is used for the oxidation of allylic and benzylic alcohol at room temperature. And ketone is used as a solvent in this reaction. Okay? This is basically the physical properties are. This is solid, black colored, and works at room temperature as I earlier told. Okay? So this is our benzylic alcohol. This group is known as benzyl. Okay, इसको हम क्या बोलते हैं? Benzyl बोलते हैं। तो ये जो alcohol इससे लगेगी, इसको हम क्या बोलते हैं? Benzylic alcohol. तो जब हम MnO2 का, when we use MnO2, तो ये क्या होगा? As a ketone, this is acetone. Okay, एसीटोन एज सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये काम कब करता है? रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दिस कन्वर्ट्स टू बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि अगर इन द केस ऑफ एस वी KMnO4 के केस में कि अगर हमारा प्राइमरी एल्कोहल होगा तो किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में। सेकेंडरी एल्कोहल होता है तो किस में कन्वर्ट होता है? कीटोन में। ठीक है, ये हम जानते हैं। अगर हमारा 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में। अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो किस में होता है? हमारा कीटोन में। ठीक है, एग्जांपल अगर 1 डिग्री एल्कोहल का लिखूं तो दिस इज अवर 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्राइमरी कार्बन है। दिस इज अवर प्राइमरी एल्कोहल। अगर 2 डिग्री की बात करूँ तो दिस इज अवर सेकेंडरी एल्कोहल। ये किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी एल्कोहल का। और ये किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी एल्कोहल का। ठीक है, तो ये किसको बेसिकली कन्वर्ट करता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक। दिस इज अवर बेंजाइलिक एंड दिस वन इज अवर एलाइलिक। डबल से नेक्स्ट कार्बन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो ये इससे OH लग गया तो दिस इज नोन एज एलाइलिक अल्कोहल। ये इसको किसमें कन्वर्ट करेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CHO। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जब MnO2 का हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ? एलाइलिक अल्कोहल के साथ, तो वो किसमें कन्वर्ट कर देता है उसको? इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब जिस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया, अगर हम सेकेंडरी भी लेंगे तो वो किसको कन्वर्ट करेगा? कीटोन में कन्वर्ट करेगा। बात समझ में आ गई। दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेसिफिक एरियाज की बात करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर हमारा PCC है, PCC इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हम जानते हैं कि PCC भी क्या करता है? सेम फंक्शन करता है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करता है? कीटोन में। दिस इज बेस्ट फॉर प्राइमरी अल्कोहल, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है PCC और MnO2 में? ठीक है, समझते हैं कि अगर हमारे पास PCC होगा तो वो क्या करेगा? जहां उसको प्राइमरी अल्कोहल दिखेगा, अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि PCC इज नॉट सिलेक्टिव। PCC क्या है? सिलेक्टिव नहीं है। वो प्राइमरी अल्कोहल, चाहे वो अलाइलिक हो, विनाइलिक हो या नॉन अलाइलिक या विनाइलिक हो, वो सबको क्या करेगा? सारे प्राइमरी अल्कोहल्स को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। बट इन द केस ऑफ MnO2 इट विल ओनली ऑक्सीडाइज अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। ठीक है, तो PCC क्या करेगा? सबको करेगा, बट MnO2 क्या करेगा? ओनली अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स को ही क्लीवेज करेगा। ठीक है, अब MnO2 के कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे ऑक्सीडेशन टू ईस्टर और अमाइड। जैसे ये है हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ईस्टर्स में भी कन्वर्ट करता है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO हमारे पास है, तो इसका अगर हम NaCN MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ ACOH और MeOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। ध्यान रखने वाली बात है, जो हम एल्कोहल यहाँ पर लेते हैं, जो एल्कोहल हम यहाँ पर यूज करेंगे उसी का क्या बनता है? एस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये किसको? अमाइड को भी कन्वर्ट करता है। दिस इज अवर एस्टर, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? इस बार अमोनिया की प्रेजेंस में करते हैं तो किसको किस में कन्वर्ट कर देता है? अमाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर एरोमेटाइजेशन एज ए एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं ये किस में यूज होता है? एरोमेटाइजेशन में भी यूज होता है, बट कंडीशन थोड़ा
चेंज हो जाती है, ठीक है। ये आई ये जितने भी हमें रिएक्शंस करते हैं सारी कहाँ होती है, रूम टेम्परेचर पे होती हैं, बट इन द केस ऑफ एरोमेटाइजेशन हम क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्स करते हैं, मतलब हीट करते हैं, तब ये क्या होता है, मेरा एरोमेटाइज होता है, ठीक है। ये तो बात है कि MnO2 कहाँ कहाँ वर्क करता है, इसके एरियाज क्या क्या हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि पीसीसी अगर मेरे पास होगा तो वो सबको करेगा, बट MnO2 किसको करेगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक को। एक एग्जाम्पल उसका लेते हैं, जैसे ये है मेरे पास, अगर मैं इसको दोनों से रिएक्ट कराऊं, लेट सपोज मेरे पास पीसीसी भी है और MnO2 भी है, ठीक है। रेड से मैं पीसीसी को दिखाऊंगा, अगर मैं MnO2 के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो वो क्या करेगा, दिस इज अवर एलाइलिक अल्कोहल, तो वो सिर्फ इसको कन्वर्ट कर देगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर। क्योंकि ये मेरा ना एलाइलिक है ना ये विनाइलिक, मतलब एलाइलिक है नॉर ना ही बेंजाइलिक है, तो MnO2 इस अल्कोहल को रिड्यूस ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। बट अगर मैं पीसीसी का केस लूं तो पीसीसी इसको भी करेगा और साथ ही साथ इसको भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये क्या बना देगा, यहां पर एल्डिहाइड बना देगा और यहां पर कीटोन बना देगा, क्लियर हो गई होगी बात। MnO2 के केस में सिर्फ यही ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि दिस इज ओनली एलाइलिक एल्कोहल, बट इन द केस ऑफ पीसीसी ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये शायद मेरे हिसाब से आपको इंट्रोडक्टरी और स्पेसिफिक एरियाज का पार्ट समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स की। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन पार्ट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज अवर कंपाउंड और इसकी रिएक्शन किसके साथ की हमने, MnO2 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, दिस इज अवर एलाइलिक एल्कोहल, और अगर बात इसकी करें तो अगर यहाँ से हमारा OH होता डबल से नेक्स्ट कार्बन पे तो ये एलाइलिक एल्कोहल होता, ठीक है। तो ये हमारा एलाइलिक एल्कोहल नहीं है, सिर्फ ये है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, ठीक है, ये सारी स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई इफेक्ट नहीं आएगा इससे, तो ये सेम ऐसी CH2OH से डबल और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा डबल बॉन्ड O, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, एक मेरे पास अल्कोहल ये है, एक मेरे पास अल्कोहल ये है, बट दिस इज नॉट एलाइलिक अल्कोहल, तो एलाइलिक अल्कोहल किसका, यही है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड दिस, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज रहेगी एंड दिस इज OH और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O और एक आ जाएगा H, ठीक है। तो अब यहीं पर ये रिएक्शन फिनिश नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो सकता है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अपने लोन पेयर कहाँ डोनेट करेगा, कार्बन पे, कार्बन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं दिस बॉन्ड, इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो ऑक्सीजन ने अटैक किया, तो अभी क्या बन जाएगी मेरे हिसाब से, सिक्स मेंबर्ड रिंग बन सकती है। तो अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या हो गया 6, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी मेरी। तो अगर मैं 6 मेंबर्ड पहले रिंग बनाऊँ तो कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट नंबर दिस इज ऑक्सीजन को अगर मैं फर्स्ट नंबर दूं, सो दिस इज सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ के पास डबल बॉन्ड और ये फिर ये फिफ्थ, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या हो गया यहाँ पर 6, तो यहाँ पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड O, क्लियर। सो दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अवर दिस, इसकी भी MnO2 के साथ रिएक्शन, तो दिस इज अवर बेंजाइलिक एल्कोहल, तो सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है। तो इजीली है, मैं सिर्फ इतने पार्ट को R लिख देता हूँ, R, ये मेरा बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ये मेरा क्या हो जाएगा OH, क्लियर। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या होगा, एक अल्कोहल मेरे पास ये है, एक अल्कोहल ये है, दिस इज माई एलाइलिक अल्कोहल एंड दिस इज नॉन एलाइलिक, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिर्फ इसका होगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा OH, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले ये मेरा क्या है, एलाइलिक अल्कोहल है, तो ये कुछ ऐसा होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा मेरा CHO, क्लियर। अभी कौन सी कंडीशन बन गई, रिडक्शन टू एस्टर्स, ठीक है। तो डायरेक्ट कर देते हैं इसको, रिडक्शन हो जाएगा, नहीं सॉरी, ऑक्सीडेशन टू एस्टर, कन्वर्ट टू एस्टर, एस्टर में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा CO2। अब यहाँ पर कौन सी अल्कोहल ली हमने, ब्यूटाइल अल्कोहल ली है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटाइल, क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा और रिंग कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है CSIR में,
फोर मार्क्स में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको देखिए वीडियो को, अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।